थोड़ा जानना चाहता हूँ कितने लोग PSL से जुड़े हुए थे, थोड़ा हाथ उठा के। बिल्कुल बिल्कुल सही, 50% है भैया, ज्यादा है, ज्यादा संख्या। अच्छा आपने मालूम है क्या किया है, जो हमारे बॉन्ड पेपर वहाँ पे जमा है लगभग 70% उनके पेमेंट के लिए कुछ भी उन्होंने जवाबदेही नहीं रखा है। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी इस खास वीडियो में। दोस्तों आज 31 दिसंबर 2019 है, यानी कि 2019 का आज आखिरी दिन है। सबसे पहले तो मैं आप सभी PSL के निवेशकों को और जितने भी एजेंट्स हैं या जितने भी हमारे चैनल के व्यूवर्स हैं, उन सभी को आने वाले 2020 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका 2020 मंगलमय हो और बहुत सारी खुशी आपके परिवार में हो। खासतौर पे मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि 2020 में आप सभी पीड़ित निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, और जिन लोगों का अभी तक आवेदन नहीं हुआ उसकी प्रक्रिया भी जल्दी स्टार्ट हो जाए, यही उम्मीद करते हैं। क्योंकि 2019 बहुत ज़्यादा स्ट्रगल वाला रहा है, चाहे अमित गर्ग जी का स्ट्रगल देख लीजिए, या जनलोक प्रतिष्ठान का देख लीजिए, या AISO संगठन का देख लीजिए, या भारतीय लोक सेवा दल का देख लीजिए, या विकास त्रिपाठी जी द्वारा जो कार्य किए गए उनका देख लीजिए, महेंद्र पाल दानगढ़ जी, और जितने भी संगठन लगे हुए हैं PSL का पैसा वापसी कराने के लिए, उन सभी का 2019 बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है, मगर पैसा वापसी नहीं हो पाया है। हालांकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दबाव पड़ा था लोढ़ा कमेटी के ऊपर, जिस वजह से 2019 से यदि हम स्टार्ट करते हैं तो जनवरी से जो आवेदन प्रक्रिया निकाली थी 2500 रुपये वाली, और उसमें 2500 रुपये के कुछ ही लोगों तक पैसे पहुंचे हैं, आधे अधूरे। उसके बाद जो 5000 रुपये वाली निकाली थी कि 5000 रुपये तक पैसा वापसी होगा, तो उसमें तो उतने भी पैसे नहीं वापसी मिले जितने 2500 वालों को मिले थे। तो कुल मिलाकर के 2019 को अब बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। तो आज आखिरी दिन है और कल से 2020 एक नई उमंग के साथ आप लोगों के साथ सभी संगठन मिलकर के कार्य करने वाले हैं। PSL का पैसा 2020 में हर हाल में मिलेगा, ये हमें पूरी उम्मीद है। आप सभी से अनुरोध है कि बस आप संगठनों का साथ देते रहिए, क्योंकि ये ही वे संगठन है जो आपके पैसे को लेकर के सीरियस है। लोढ़ा कमेटी के ऊपर दबाव केवल संगठन ही बना सकते हैं। जो आंदोलन हो रहे हैं उन्हीं के जरिए आप अपना पैसा वापसी कराने के लिए दबाव बना सकते हैं, चाहे SEBI हो, लोढ़ा कमेटी हो, या सुप्रीम कोर्ट हो। सुप्रीम कोर्ट में भी आप सब देखते हैं कि किस तरीके से लेट लतीफी हो रही है, कोई भी निर्णय अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है। ना जाने किसका दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी है, मैनेजमेंट का है, SEBI का है, लोढ़ा कमेटी, कुछ भी पल्स निवेशकों के लिए शुभ समाचार लेकर के नहीं आ रही है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि 2020 में फिर से आप एक नई उमंग के साथ में सभी संगठनों के साथ खड़े हुए जो आप लोगों के पैसा वापसी कराने में आपकी मदद कर रहे हैं। मैं सभी संगठनों की बात कर रहा हूं, ना कि एक किसी संगठन की, जो भी आपको अच्छा लगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक विकास त्रिपाठी जी की एक वीडियो दिखाने वाला हूं, जो आप लोगों के लिए एक संदेश लाई है 2020 में। वो संदेश क्या है आपको ये वीडियो देखकर ही पता चलेगा। मैं थोड़ी सी बात इसमें बता देता हूँ वीडियो के अंदर क्या आपको देखने को मिलने वाला है। वीडियो के अंदर आपको विकास त्रिपाठी जी ने सभी एजेंटों के लिए खासतौर से एक पहल स्टार्ट की है कि आप लोगों का पैसा किस तरीके से वापसी हो सकता है, और अब एजेंटों का क्या काम है या निवेशकों का क्या काम है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें आपकी जितने भी बॉन्ड थे वो ऑफिस के अंदर ही पड़े हुए थे, अभी तक वे बॉन्ड तक लोढ़ा कमेटी या पल्स मैनेजमेंट या पल्स ऑफिस में नहीं पहुंचे थे। तो 70% बॉन्ड किसी के भी पास नहीं है, यानी कि रिकॉर्ड नहीं है, तो अब उनका रिकॉर्ड कैसे मिलेगा, उसी के लिए आवेदन कराए जा रहे थे। और उसी के लिए विकास त्रिपाठी जी ने कुछ आप लोगों को एक संदेश दिया है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो जैसे ही आप देखते हो तो बहुत सारे निवेशक ऐसे हैं कि वीडियो को शेयर नहीं करते, आपसे अनुरोध है कि वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि सभी पीड़ित निवेशकों तक ये वीडियो पहुंचे और जो जानकारी उन्हें नहीं मिल पाती वो हमारी वीडियो के माध्यम से मिल जाए, और जो कार्य करने के लिए कहा जाता है वे कार्य करें और अपना पैसा वापसी के लिए कुछ कदम आगे बढ़ाएं। क्योंकि संगठनों का काम आपको साथ लेकर के दबाव बनाना है,
काम आप लोगों को भी करना है। तो मैं फिर से आप सभी को 2020 की नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका परिवार और आपका पैसा 2020 में हर हाल में मिल जाए, यही उम्मीद मैं करता हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, मगर आपसे अनुरोध है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे एक लाल रंग का बटन होगा, उसे दबा लीजिए। यदि व्हाइट कलर का यानी सफेद रंग का बटन हो रहा है तो उसे दोबारा मत दबाइए। इसका मतलब है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। बराबर में बेल आइकन होगा, उसे भी दबा लीजिए। इससे नोटिफिकेशन मिल जाएगी जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी। एक थम्स का ऐसा निशान होगा, उसे दबा लीजिए। इससे हमारी वीडियो लाइक हो जाएगी और मोटिवेशन हमें मिलती है कि इतने लोगों ने हमारी वीडियो को पसंद किया है। और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जितने भी आपके ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी पर आप शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो आइए मैं विकास त्रिपाठी जी की वीडियो दिखा देता हूँ, आइए वीडियो शुरू करते हैं। ऋणी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने तन मन और धन से, जैसे कि कुछ लोगों के मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, धीरेन्द्र सचान जी है, शिवशरण जी है, रात दिन हमारे साथ में अपने वाहन भी लगा रखे, नीरज जी है, रामू भैया है, विनोद जी है, और जो हमारे चेयरमैन साहब है उन्होंने भी अपना सहयोग दिया। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस परिवार को। दूसरा, पीएसीएल कंपनी में थोड़ा हट के बात हो रही, बुरा ना मानिएगा कि इस चीज को बुरा मान जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लगभग 90% लोग यहाँ पे पीएसएल के भी लोग बैठे हुए हैं। तो क्या आया है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा हम तो मौके ढूंढा करते हैं कि हमारे पुराने साथी जहाँ मिले ये शरीर वहां पहुंचे, ये मेरा एक उद्देश्य रहता है। तो आज बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कितने लोग पीएसएल से जुड़े हुए थे, थोड़ा हाथ उठा के। थोड़ा 50% है भैया, ज्यादा है, ज्यादा संख्या। अच्छा, आज की डेट में क्या हो रहा है वो थोड़ा हम बता दें, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं पर अगर इस फील्ड में निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुराने साथी पीएसएल के मिल जाते हैं, उनसे जानकारी, क्योंकि मार्केट हमारी वही है, मार्केट हमारी वही है। जंगलगंज जब हम जाएंगे तो रेवेन्यू का भी हमको मिलेगा और ग्वालियर का भी मिलेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं हमारे पूछा करते हैं और हमारे बहुत लोगों के जानकारी नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, तेलग वो साहब लोग नहीं आ रहे हैं तो हम चर्चा करें। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बिल्कुल, दिक्कत ना हो ना, 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 कोई दिक्कत। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और जो हम लोगों के आवेदन हुए हैं उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। आज जो कमेटी गठित की गई थी 2016 में, 2 फरवरी 2016 को, आज उन्होंने मालूम है क्या किया है, जो हमारे बॉन्ड पेपर वहां पे जमा है लगभग 70% उनके पेमेंट के लिए कुछ भी उन्होंने जवाबदेही नहीं रखा है। 70% लोगों का पैसा डूब जाएगा। इसके लिए मैंने एक प्रोफार्मा तैयार करवाया है, शायद मैं इधर अभी व्हाट्सएप में जो लोग जुड़े होंगे भाई लोग, मैं बराबर दे रहा हूँ कि पॉलिसी धारक का नाम थोड़ा नीचे उतर के काम करना पड़ेगा और ये दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त पे अपनी जेब से पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा। फार्मा बनाना है जिसमें नाम हो गया, पॉलिसी नंबर हो गया, उसका पेमेंट कैसे हम लोगों ने वहाँ पे दिया है, CDPP है, IPP है, मंथली था, क्वार्टरली था, हाफ ईयरली था या ईयरली था, उसके बाद कितना पैसा जमा हुआ और कितना मिलना था, ये एक प्रोफार्मा अपनी अपनी टीम से सभी लोगों, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरी एक इच्छा है कि सारे लोगों का भुगतान हो। और जो मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा लगा है, आपके ऊपर जो कर्जा लगा हुआ है वो हम लोग मुक्त हो, व्यापार अपनी जगह पे ये करेंगे, क्योंकि अगर व्यापार नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी और मेरा परिवार कैसे चलेगा। पर उसके साथ में जो पुराना भुगतान है उसको भी हम लोगों को दिलाने का फर्ज बनता है, ये हमारी नीति और नियत, क्योंकि बरकत वहीं पे होगी जब आपकी नीति और नियत अच्छी होगी, तभी व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सभी लोग लगे और अपनी टीम में ये प्रोफार्मा पूछाएं। बहुत जल्द हम लोगों को कार्यक्रम लोडा कमेटी, RM जो लोडा जी हैं चेयरमैन हैं, उनसे बॉम्बे हम लोग जा रहे हैं, अगर ये लिस्ट हम लोगों के पास आ जाएगी तो हम उनके सामने ये पेश कर सकते हैं और सारे लोगों का भुगतान हो सकता है, नहीं तो बहुत गर्दिश में आने वाले दिनों में हो सकता है जो हम लोग इधर कमाएंगे वो हम लोगों को निवेशकों को देना पड़ेगा। धन्यवाद।